देखो शॉर्ट चैनल से भी हम कई तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर देखो फंड की बात की जाए तो मेरे को पहले महीने का जो है, अगर फैक्ट टाइप का वीडियो बनाते हो तो इंस्टाग्राम से जो है कॉट्स वगैरह उठा सकते हो। एंड अगर तुम स्टोरी टाइप का कंटेंट बनाते हो। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्स हैं उन्होंने अपने चैनल पर मात्र 20 दिन के अंदर 2 मिलियन का सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ, तो वो हमारे साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मस्त भाई आपका जो है हमारे चैनल पर स्वागत है, तो आप में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम अंकेश दाकड़ है एंड मैं MP से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ MP से आप बिलोंग करते हो, तो आप ये बताइए कि अर्निंग वर्निंग की बात अभी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, तो ये बताइए कि आपको यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला, किसके थ्रू पता चला था ये बताइए। ये बात है 9th-10th क्लास की, जब क्या उस टाइम पर जो है संदीप महेश्वरी सर के वीडियोस ऑफलाइन बहुत ज्यादा चलते थे, तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे वो हमें स्कूल में संदीप महेश्वरी सर के जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उनको दिखाया करते थे, एंड तभी से मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला था। अच्छा अच्छा, तो तभी आपको यूट्यूब के बारे में पता चला था। ठीक है, तो जैसे आप ये बताइए कि अपने बारे में, फैमिली के बारे में बताइए, जैसे आपके पापा क्या करते हैं, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी मैं 12th पास आउट हूँ एंड YouTube के साथ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरे पिताजी खेती करते हैं। अच्छा, तो आपके छोटे भाई या बहन तो होंगे ही, तो वो सब पढ़ाई मेरे कर बड़े रहे भाई हैं? हैं पढ़ाई कर रहे वो? हाँ हाँ अच्छा, तो चलिए अब ये बताइए आपकी जो आपने शॉर्ट्स चैनल बनाया उसमें आपने कैसा काम किया कि आपके 20 दिन के अंदर 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो सर देखो ऐसा है, अगर अपन अच्छे वीडियोस बनाते हैं एंड वो YouTube के एल्गोरिथम में फंस जाते हैं तो YouTube उनको एकदम से वायरल करना चालू करता है। एंड अगर तुम अच्छे वीडियोस बनाते हो तो मैंने तो 20 दिन में 2 मिलियन किए थे, तुम 20 दिन में 10 मिलियन भी कर सकते हो अगर तुम अपना कंटेंट अच्छा बनाओगे तो। कुछ बंदे ने 20 दिन में 4-4, 5-5 मिलियन भी किए हैं। हाँ भाई बिल्कुल, प्रूफ तो आपके सामने है ही। अच्छा, तो ये बताइए जैसे आपको मतलब ये पता कैसे चला कि भाई मुझे लॉन्ग बनानी है शॉर्ट बनानी है, तो इसको आपको पता कैसे चला कि भाई मैं शॉर्ट पे काम करूंगा? तो सर मैंने अपने मैंने अपने यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग की थी 12th में, लेकिन तब जो है यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च नहीं हुआ था, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च नहीं हुआ था तो मैं लॉन्ग पर मेहनत करता था, लेकिन मेरा एक भी लॉन्ग चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। फिर जब यूट्यूब शॉर्ट लॉन्च हो गया तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे सिर्फ शॉर्ट पे काम करना है एंड सभी लॉन्ग चैनल पर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट चैनल पर काम किया और 12th के बाद में काम करना स्टार्ट किया था, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 या 3.5 महीने बाद चैनल बूस्ट होना चालू हो गया था और 20 दिन में 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और 30 दिन में लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। ओ माय गॉड, मतलब 1 महीने में आपके 3 मिलियन सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड। यहाँ पे लोग एक एक साल मेहनत करते हैं, उनके 1 लाख नहीं होते, लेकिन आपने भाई 1 महीने के अंदर 3 मिलियन कर लिया, जो बहुत बड़ी बात है, लोग को मोटिवेशन काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भाई आप ये बताइए जैसे आपने शॉर्ट्स पे काम किया, तो शॉर्ट ऐसी चीज़ है जो पहली वीडियो वायरल नहीं होती है, तो आपने कितनी वीडियो डाल दिया उसके बाद आपकी वीडियो वायरल हुई? तो देखो सर मैंने लगभग 100 वीडियोज डाल दिए थे, बट तब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि किस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 101वां वीडियो डाला वही मेरा वीडियो वायरल हो गया है एंड उस पर मिलियन में व्यू आए। बट तब तक जो मेरा लर्निंग फेज था पहली वीडियो से लेकर 100वीं वीडियो तक, तो वहां पर मैं सिर्फ सीख रहा था कि किस तरीके से ग्रो होते हैं। एंड अगर मैं आज के टाइम पर चाहूँ तो किसी भी नए शॉर्ट चैनल को सिर्फ 10 दिन में ग्रो करवा सकता हूँ। अरे बहुत ही गजब, मतलब आपने 100 वीडियो डाल दिया उसके बाद आपका चैनल ग्रो किया। अगर देखो सर पहले हमें लर्निंग तो लेनी पड़ेगी तभी तो हम अर्निंग कर पाएंगे। अगर मैं नहीं सीखता, बिल्कुल, अगर मैं ये सोचता कि मेरा पहला वीडियो वायरल नहीं हो रहा और मैं यूट्यूब बंद कर देता तो मेरा चैनल ग्रो थोड़ी हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप भाई, बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपका भी चैनल तो काफी अच्छा मुकाम पे पहुंच गया, 3 मिलियन हो चुके हैं मैं देखा था, तो आपका मतलब रिएक्शन क्या है, मतलब फैमिली में क्या रिएक्शन है, दोस्त भाई लोग उसका रिएक्शन क्या है कि भाई इतना ये कर लिया, तो उसका क्या रिएक्शन चल रहा है अभी इस समय? दोस्तों को तो मैंने पहले कुछ पता नहीं चलने दिया था, जब लगभग मेरे 1 मिलियन हो गए थे तब दोस्तों को पता चलने दिया था एंड फैमिली को पहले से पता था, बट फैमिली जो है पहले तो डांटा करती थी, लेकिन जब मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई तब से जो है फैमिली का रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मतलब पापा मम्मी सब खुश हैं कि भाई हमारा लड़का कमा रहा है अच्छा खासा, है ना? अभी क्या है कि मेरी एज भी ज्यादा नहीं है ना, 17 से थोड़ा बहुत ज्यादा हूँ, ज्यादा है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है कि भाई इतने से इतनी उम्र में लोग अभी पढ़ाई करते रहते हैं। आप तो भाई 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। अच्छा, इनकम के बारे में दोनों चीजें जरूरी हैं।
बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा ये बताइए इनकम के बारे में, थोड़ा सा बताइए इनकम के बारे में कि आपकी इनकम कितनी होती है इस समय और शॉर्ट चैनल पे कैसे क्या अर्निंग होती है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। शॉर्ट चैनल से भी हम कई तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर देखो फंड की बात की जाए तो मेरे को पहले महीने का जो फंड है वो $909 मिला था, बट मैंने स्पॉन्सरशिप से लगभग लगभग जितना मेरा फंड मिला था उससे थोड़ा उधर इधर होगा इतना मैंने स्पॉन्सरशिप से अर्न कर लिया था। अच्छा मतलब 900 आपको शॉर्ट फंड मिला महीने का, 900 मतलब वही 70-80 हजार शॉर्ट फंड हो गया। हाँ, 75 हजार के करीब मैंने स्पॉन्सरशिप से कर लिया था। हाँ उसके बाद मतलब 70 × 14 मतलब भाई काफी अच्छा आपने यहाँ पे अर्निंग कर लिया, 1,40,000-50,000 रुपए आपने अर्निंग किया वो भी शॉर्ट चैनल से। अगर अगर तुम स्पॉन्सरशिप लेना जानती हो ना तो कुछ भी कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है उसके चैनल का नाम एपेक्स फैक्ट है, उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में स्पॉन्सरशिप से 90 हजार कमाए थे सर। ओ माय गॉड, मतलब आप ये कहना चाहोगे शॉर्ट्स पे भी स्पॉन्सरशिप मिलती है? हाँ मिलती है बिल्कुल, है ना? हाँ 8 तारीख की मिलती है। अगर तुम लोगो बेसिस पे करना चाहो तो लोगो बेसिस पे कर सकते हो, और अगर तुम किसी किसी अगर रैपर के हिसाब से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर व्यूज बेस पे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कई सारे रास्ते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मतलब शॉर्ट्स चैनल पे भाई स्पॉन्सरशिप मिलता है, ये भाई आपके सामने बता रहे कि शॉर्ट्स चैनल पे भी स्पॉन्सरशिप मिलता है, ठीक है? तो आप भी शॉर्ट्स चैनल पे काम करिए तो बहुत ही अच्छी बात भाई। तो आप ये बताइए आप जैसे अभी कोई नया क्रिएटर है, ठीक है, तो उसे लॉन्ग पे काम करना चाहिए या शॉर्ट्स पे काम करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो उसे शॉर्ट पे काम करना चाहिए, क्यों? क्योंकि लॉन्ग में जो है इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। अगर तुम अपने शॉर्ट चैनल को ग्रो कर लेते हो तो वहां से जो है तुम्हारी अर्निंग होने लगेगी, एंड तुम उसके बाद लॉन्ग चैनल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड तुम अपने शॉर्ट चैनल से अपने लॉन्ग चैनल को प्रमोट भी कर सकते हो। जैसे कि आपने किया, आपका भी सेकंड चैनल मैंने देखा था तो उस पे आप सिखाते हो इसके बारे में, फैक्ट के बारे में, ना? सेकंड चैनल है उसका नाम अंकेश दाकड़ है, एंड मैं उस पर यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। लाइक तुम यूट्यूब शॉर्ट को किस तरीके से वायरल कर सकते हो, अपने शॉर्ट चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, इस टाइप की वीडियो मैं अपने अंकेश दाकड़ चैनल पर डालता हूँ। नहीं नहीं मैंने उसको देखा था, काफी अच्छी आप उसके अंदर सिखा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। तो अच्छा ये बताइए जैसे कोई नया क्रिएटर है, ठीक है, अब वो शॉर्ट चैनल स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए उसे कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कि मतलब कहाँ से कंटेंट को करना है उसको, क्या करना है, तो उसके लिए बताइए थोड़ा सा कि आप कैसे कंटेंट फाइंड करते हो, उसके बारे में। फाइंड करने के काफी सारे रास्ते हैं। तुम जो है अगर फैक्ट टाइप का वीडियो बनाते हो तो इंस्टाग्राम से जो है कॉट्स वगैरह उठा सकते हो, एंड अगर तुम स्टोरी टाइप का कंटेंट बनाते हो जैसा मैं बनाता था तो तुम उनको फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हो, एंड कुछ टाइप का कंटेंट जो है तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल जाता है। बट इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो कंटेंट बना रहे हो उसमें पहले ये कन्फर्म कर लेना कि इसमें स्ट्राइक आएगा या फिर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया भाई। तो आप अच्छा ये समझ लो कंटेंट फाइंड का आपने बता दिया, तो आप जिससे वीडियो क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, कौन सा माइक यूज कर सकते हो, मतलब कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो, लाइट कौन सी यूज करते हो, मतलब क्या क्या यूज करते हो आप ये बताइए थोड़ा सा। तो देखो जैसे जैसे शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूँ उसके लिए एक मोबाइल की जरूरत पड़ती है और एक माइक की, तो मेरे पास मोबाइल तो पहले से ही था और मैंने माइक मंगवा लिया तो मेरा आसानी से काम चल जाता है। अच्छा मतलब मोबाइल और माइक में अगर हो तो आप अच्छी वीडियो बना सकते हो, है ना? हाँ स्पेशली शॉर्ट वीडियो के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ इक्विपमेंट्स लाइट स्टैंड वगैरह इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं आप अच्छा वीडियो आप बनाते हो, लेकिन आपने अच्छा बताया तो काफी अच्छी चीज है। तो जैसे आप ये बताइए कि आप दिन में कितना वीडियो बना देते हो, कितना टोटल बना लेते हो दिन का वीडियोस? देखो सर मुझे क्या है स्टडी को भी मैनेज करना पड़ता है, तो मैं अपने शॉर्ट चैनल के लिए एक वीडियो बनाता हूँ, एंड अभी मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना चालू कर दिया है, बट वो लॉन्ग वीडियो में एक दिन का गैप लेके डालता हूँ। अच्छा अच्छा तो मतलब आपका दो चैनल था ना, एक मस्त फैक्ट एक अंकित धाकड़, ठीक है? दो फैक्ट, हाँ, तो दोनों आप अकेले मैनेज करते हो कि आपका दोस्त है कोई भाई है वो मैनेज करता है? नहीं, दोनों तो चैनल को मैं आसानी से मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा दोनों दोनों के लिए आप कंटेंट बना लेते हो, थंबनेल सब अपना अकेले ही करते हो, एडिटिंग वेडिंग, है ना? नहीं बहुत अच्छी चीज है। अच्छा तो चलिए ये बताइए जैसे आप कोई नया क्रिएटर है, ठीक है, अब नया क्रिएटर है उसको यूट्यूब पर आना है, अब YouTube पर आ गया उसके लिए जो वीडियो वायरल नहीं होती है, उसने कंटेंट बना दिया हर चीज़ अच्छे तरीके से कर लिया लेकिन उसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे कौन सा ट्रिक लगाए उसकी वीडियो वायरल हो? तो सर देखो जब भी कोई न्यू क्रिएटर YouTube पर आता है स्पेशली शॉर्ट क्रिएटर, तो उसको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि उसके वीडियोस पर 10-20 व्यूज आते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसका वीडियो 1-2 हजार व्यू आने के बाद रुक जाता है। तो देखो अगर तुम्हारे 10-20 व्यू आ रहे हैं तो तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की जरूरत है, एंड टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन इन चीजों को थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है, थोड़ा सही से डालने की जरूरत है। एंड अगर तुम्हारे बनके 2K व्यू आने के बाद रुक रहे हैं
तो तुम्हें अपने ऑडियंस रिटेंशन और ऑडियंस एंगेजमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज यूट्यूब तो तुम्हारे वीडियोस को वायरल कर रहा है लेकिन तुम्हारे जो वीडियोस हैं वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं, इसी कारण से यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस को रोक दे रहा है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम इससे काम करता है। हाँ तो बढ़िया बढ़िया। तो आप ये बताइए, जैसे कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं होता ना, लोग कहते हैं कि इसने कोई ट्रिक लगा दिया, कोई जादू कर दिया चैनल पे, तो कोई बताइए कोई ट्रिक तो नहीं होता है ना? नहीं सर, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बस मेहनत होती है आपकी। हाँ, जितना मेहनत करोगे तो उतना चलेगा। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे तो तुम्हें वायरल होने से, ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ तो अच्छा चीज है। तो जैसे आप अभी ये बताइए, जैसे आप YouTube पे काम कर रहे हो, ठीक, अभी YouTube पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, तो लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो YouTube पे आए कि ना आए? तो देखो, अगर तुम YouTube पर पार्ट टाइम आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम अगर अभी स्टडी कर रहे हो एंड स्टडी को छोड़ छाड़ के YouTube पर आ रहे हो तो वो गलत है। बट तुम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर, एक दो घंटा निकाल कर YouTube के लिए वीडियो बना रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड यहाँ से तुम साइड इनकम कर रहे हो तो भाई इससे ज्यादा अच्छा कोई हो, कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा तो नहीं, अच्छी चीज़ है। चलिए कुछ रैपिड फायर करते हैं, तो आपका मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, आप उसका जल्दी जवाब दीजिएगा, ठीक है? आपका फेवरेट यूट्यूबर? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है कैरीमिनाटी। कैरीमिनाटी। आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? बॉलीवुड एक्टर सर मैं बॉलीवुड मूवीज देखता ही नहीं। साउथ देखते हो, कोई भी देखते हो? हाँ सर, साउथ तो देखता हूँ। तो कौन सा आपका फेवरेट एक्टर है? अल्लू अर्जुन। अच्छा अल्लू अर्जुन। अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है स्टडी में? मैथ। मैथ। चलिए तीन क्वेश्चन रैपिड फायर थे। तो गाइज दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और इन भाई का चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो भाई जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे कि भाई कैसे काम करने? तो हाँ, आपकी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल पर मैं पिछले एक महीने से विजिट किया हूँ, बट आपकी वीडियो से जो नॉलेज मिलती है, जो आप अर्निंग प्रूफ्स दिखाते हो, उनको देखकर मुझे खुद इतना मोटिवेशन मिलता है कि अगर अभी मैं इतनी एनर्जी के साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा और अच्छी वीडियो बनाऊँ जिससे मेरी और ज्यादा अर्निंग हो। एंड आप बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हो, और अगर आप इस सर की वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से अपना चैनल बना लीजिए एंड अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया, पूरा इंटरव्यू पसंद आया, तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इन भाई का आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाके इनके चैनल पे विजिट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और ये भाई अच्छे तरीके से सिखाते हैं अपने चैनल पर कि भाई वीडियो कैसे वायरल करनी, कैसे चैनल ग्रो करना है, हर एक चीज़ इन्होंने सिखाया हुआ है। तो ठीक है, इनके चैनल पर जाओ और देखो वीडियो को। तो भाई आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे ऑडियंस को दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। थैंक यू मेरे भाई। चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।